गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे भाई, इस वीडियो में हम लोग क्लास टू यानी गणित परिचय, बच्चा का गणित परिचय मैथ में वॉल्यूम टू जो भारतीय भवन से प्रकाशित है इसको अच्छे से जानेंगे, पूरी गहराई से, पूरा बेसिक से। तो चलिए, यह एक बच्चा का बुक है, उसी से हम लिए हैं। आप आराम से देखेंगे और करेंगे, सब कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। जीरो लेवल से चलेंगे, एक और वीडियो ला करके दे देंगे जिसमें कि सभी आपको मिल जाएगा। यह राम रक्षा प्रसाद राय जी का लेख है, बहुत अच्छे से समझाए हैं इस बुक में। तो चलिए, सबसे पहले देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। चलिए तो शुरू करते हैं। संख्याओं का पूर्णा वृत्ति, संख्याओं का है ना, संख्याओं की, तो इसको हम आगे इस ढंग से समझेंगे कि एक अंक की संख्याएं जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, शून्य, शून्य से, यानी शून्य में यानी कुछ नहीं रहेगा। एक यानी एक पाई जो खड़ा है, एक एक अंक में भी लिखा हुआ और एक शब्द में भी लिखा हुआ। यहाँ देखिए दो पाई है तो दो हो गया, यहाँ देखिए दो दो है, यहाँ दो लिखा हुआ है हिंदी में। इसी प्रकार से तीन है, चार है, पांच है, छः है, सात है, आठ है, नौ है, यानी नौ पाई नौ। याद रखें, याद रखना है क्या, जीरो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, कुल दस अंक है जिनसे सभी संख्याएं लिखी जाती है। टोटल यानी जितना भी गिनती की संख्याएं हैं सब इतना ही अंक से, कितना, कुल दस अंक से ही लिखी जाती है। अब इसको आगे पढ़ते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या नौ है। देखिए एक अंक की सबसे, इसमें कौन बड़ा है, नौ है ना। इसी प्रकार से तथा सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, जीरो है, यानी इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, जीरो है। चलिए, मान के अनुसार इनका क्रम इस प्रकार है, यानी जीरो इधर रहेगा, जिस तरफ नोखी निकला हुआ रहेगा छोटा है, और जिस तरफ दोनों तरफ से पेट चिरा हुआ है बड़ा है, यानी कि एक, जीरो से एक बड़ा हो गया, एक से दो बड़ा हो गया। इसी प्रकार से आप बढ़ते जाइएगा, तीन बड़ा हो गया, चार बड़ा हो गया, पांच बड़ा हो गया, छह बड़ा हो गया, सात बड़ा हो गया, आठ बड़ा हो गया, नौ। इस तरफ आइएगा तो बड़ा हो जाएगा, इस तरफ जाइएगा तो छोटा हो जाएगा। नौ से आठ छोटा है, तो देखिए नौखी निकला हुआ है, आठ छोटा। चलिए, किसी संख्या में एक जोड़ने पर, देखिए किसी संख्या में एक जोड़ने पर उसके बाद की संख्या बनती है ना। जिसे देखिए जीरो में एक जोड़ेंगे तो इसके बाद की संख्या क्या हो जाएगा, एक बनेगा। जीरो में एक जोड़े तो एक बना, इसी प्रकार एक में एक जोड़ेंगे तो दो बना, दो में एक जोड़ेंगे तो क्या हुआ, तीन बना, तीन में एक जोड़ेंगे तो क्या बना, चार बना, चार में एक जोड़े तो पांच। इसी प्रकार से पांच में एक जोड़े छो बना, छो में एक जोड़े सात बना है ना, सात में एक जोड़े तो आठ बना, आठ में एक जोड़े तो नौ बना। आप आराम से थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत अच्छा से समझ जाइएगा। किसी संख्या में जीरो को जोड़ने या घटाने से संख्या नहीं बदलती है। देखिए किसी संख्या में जीरो को जोड़ने या घटाने से संख्या नहीं बदलती है, सेम टू सेम वही संख्या रहेगा। जैसे एक में जीरो को जोड़ दिए तो एक ही रहा, दो में जीरो को जोड़ दिए तो दो ही रहा, आठ में जीरो को जोड़ देंगे तो क्या, आठ रहेगा, जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो ही रहेगा, जीरो में जीरो को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो रहेगा, चार में जीरो को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, चार ही रहेगा है ना, छः में जीरो को जोड़ेंगे तो छः ही रहेगा, आठ में जीरो को जोड़ेंगे तो आठ रहेगा। इसी प्रकार देखिए किसी संख्या में उसी संख्या को घटाने पर जीरो बचता है। देखिए पांच में पांच को घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो, एक में एक को घटाएंगे तो क्या, एक माइनस एक घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा है ना। इसी प्रकार से आठ में आठ को घटाएंगे तो क्या आया, जीरो आया, देखिए है ना, नौ में नौ को घटाएंगे तो जीरो आएगा। इसी प्रकार एक अंक की सबसे बड़ी संख्या नौ में एक जोड़ने पर दस प्राप्त होता है, क्या होता है, दस प्राप्त होता है, जो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है। नौ में एक जोड़ दिए तो क्या आया, दस प्राप्त हो गया। देखिए दस पाई बना हुआ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ प्लस एक दस, इसी प्रकार से।
चलिए देखिए अब इसमें अब क्या है, अब संख्या संख्यांक का उसके नाम से मेल करना है, यानी हिंदी में जो लिखा हुआ है हिंदी नामों यानी संख्यांक नाम को संख्या यानी जो संख्या उससे मेल करना मिलाना है। जो अगर ये है देखिए अंक में लिखा हुआ है चार, तो चार हिंदी में लिखा हुआ यहाँ, तो इससे क्या करना है मिलाना है ना। बच्चा पहले इस किताब को पढ़ा है वही मिलाया है, कहीं गलती भी मिलाएगा कहीं सही भी मिलाएगा, उसको हम लोग सही करेंगे यहाँ देख करके। दो देखिए दो दो कर दो लिखा हुआ है इसमें मिला देना है। फिर इसी प्रकार से सात देखिए सकर सात, सात मिला हुआ है सात मिला देंगे। फिर जीरो है शून्य यानी शून्य को मिला देना है। आठ है तो आठ में मिला देना है। छ है देखिए छ छह, तो छह कहाँ है यहाँ है छह को मिला देंगे इस प्रकार से। पांच है पांच कहाँ है यहाँ नीचे है, तो पकड़ पांच है पांच पांच में मिला देना है। एक कहाँ है एक 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 ऊपर में एक मिला देना है। नौ नौ कहाँ है नौ में मिला देंगे ठीक है। तीन कहाँ है तीन में मिला देंगे। चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे। अब कह रहा है यहाँ बढ़ते क्रम में लिखें, यानी जो आपका यहाँ दिया हुआ है इसमें से देख करके इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सब बढ़ते क्रम में क्या है, जो सबसे छोटा रहेगा जीरो पहले छोटा है तो जीरो को लिखेंगे, यानी यहाँ जीरो हो गया। उसके बाद कौन है दो है तो दो लिखेंगे, उसके बाद तीन है तो तीन को लिखेंगे, उसके बाद चार है तो चार लिखेंगे, उसके बाद आठ है तो आठ लिखेंगे। हो गया यह बढ़ते क्रम। अब कह रहा है घटते क्रम में लिखें, घटते क्रम में यानी इसमें से जो आपको बड़ा है सबसे इसमें से, तो जो बड़ा है नौ बड़ा है तो नौ लिखेंगे, उसके बाद कौन बड़ा है तीन बड़ा है तो तीन लिखेंगे, उसके बाद कौन है तो दो लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन है तो एक लिखेंगे, उसके बाद जीरो है तो जीरो लिख देंगे। हो गया यही घटते क्रम हो गया। अब कह रहा सबसे बड़े घेरे, सबसे बड़े को घेरना है, क्या करना है सबसे बड़े को घेरना है। इसमें जो सबसे बड़ा है कौन बड़ा है सिक्स बड़ा है एट बड़ा है थ्री है टू है, तो इसमें देखेंगे कि एट बड़ा है तो एट को क्या करेंगे घेर देंगे दोस्तों। चलिए मेरे भाई आगे बढ़े। इसी प्रकार से कह रहा है सबसे छोटे को घेरे, सबसे छोटे को घेरना है, तो सबसे छोटे को घेरने के लिए क्या करेंगे सबसे छोटा इसमें देखेंगे, इस संख्या में सबसे छोटा कौन है टू है दो, दो छोटा है तो दो को घेर देंगे। चलिए इसी प्रकार से खाली स्थानों को भरना है, खाली स्थानों को भरना है। जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, यह जो बॉक्स बना हुआ खाली स्थान है बच्चा पहले पढ़ा है तो कहीं सही बनेगा कहीं गलत बनेगा उसको हम लोग देख लेते हैं, इसको समझ जाएंगे अच्छा से। आप ये कॉपी कलम निकाल करके पढ़िए अच्छा से समझ जाइएगा पूरा जैसे जैसे है। आठ प्लस जीरो तो क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा। न पाँच में घटाना है जीरो को तो क्या आएगा, पाँच में जब जीरो घटेगा तो क्या आएगा टोटल पाँच ही आएगा, क्या आएगा पाँच आएगा। कहें ना थे कि कहीं ना कहीं बच्चा गलत किया होगा इसलिए हम लोग इसको सीखेंगे। देखिए तीन और एक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा चार आएगा ठीक है। छः प्लस दो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आठ आएगा। पाँच में पाँच को घटाएंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा, बिल्कुल सही है। इस पर चलिए अब यहाँ आते हैं हम लोग पढ़ेंगे दो अंकों की संख्याएं सीखते हैं। दो अंकों की संख्या क्या है दस दहाई, दस दहाई यानी एक दहाई बराबर क्या होता है दस होता है, एक दहाई में दस इकाई दहाई जो हम लोग पढ़ते हैं इकाई में एक एक रहता है लिखा हुआ अंक और दहाई में दो दो अंक हमेशा रहेगा लिखा हुआ एक दहाई, तो एक दहाई दस और दो दहाई बीस, तीन दहाई तीस, चार दहाई चालीस है ना, इस तरह से होता है क्या एक दहाई हो गया दस, क्या हो गया दस, एक दहाई दस जो आप देखें आप, दो दहाई हो जाएगा बीस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीस हो जाएगा, दो दहाई बीस। इसी प्रकार से आगे एक दहाई और एक इकाई ग्यारह हो जाएगा, इसमें एक जोड़ दिया गया दस प्लस एक क्या हो जाएगा बच्चों दस प्लस एक हो जाएगा ग्यारह। इसी प्रकार से आगे है एक दहाई और चार इकाई तो चौदह हो गया है, दो दहाई और बीस इकाई, दो दहाई और बीस इकाई तो क्या हो जाएगा बीस, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं दो दहाई को बीस इकाई भी कर सकते हैं, यानी कि एक एक दहाई एक दहाई एक दहाई मतलब दस इकाई, ऐसे करके दस इकाई है ना, तो दो दहाई मतलब बीस इकाई ठीक है ना।
प्रकार से दो दहाई और पांच इकाई 25 इकाई हो गया। देखिए 25 इकाई, दो दहाई यानी 20 और पांच इकाई, उसमें 20 और 20 और प्लस 5, 20 और प्लस 5 हो जाएगा 25 इकाई। ठीक है, इसी प्रकार से आगे तीन दहाई 30 हो गया ना, पांच दहाई 50 इकाई, 50 सात दहाई 70 इकाई, नौ दहाई 90 इकाई, चार दहाई 40 इकाई, देखिए है ना, यानी 40, छह दहाई 60 इकाई यानी 60, आठ दहाई 80 यानी 80, दस दहाई यानी 10 दहाई के, देखिए 10 गुने 10 बराबर 100, यानी 10 10 10 10 करके जोड़ भी सकते हैं इस प्रकार से, जैसे जोड़ते हैं 10 10 10 10 करके 10 बार लिखिए, उसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 100 इकाई, यानी 100 हो जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, तीन दहाई और आठ इकाई 30 प्लस 8 38, चार दहाई और नौ इकाई 40 प्लस 9 49, पांच दहाई और जीरो इकाई 50 प्लस 0 50, छह दहाई और छह इकाई 60 प्लस 6 66, सात दहाई और दो इकाई 70 प्लस 2 72, आठ दहाई और आठ इकाई 80 प्लस 8 88, नौ दहाई और दो इकाई 90 प्लस 2 92। इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं, पेज नंबर 4 में आ गए हैं। चलिए अब दो अंकों की संख्या का लघु रूप एवं विस्तारित रूप देखेंगे, दो अंकों की संख्या, चलिए विस्तारित रूप लघु रूप यहाँ देखना है, इधर विस्तारित रूप है यानी 10 प्लस 5 विस्तारित रूप हो गया, और इसका लघु रूप छोटा यानी 15 हो जाएगा, 10 5 15, 20 प्लस 0 20 हो जाएगा, 30 प्लस 8 38 हो जाएगा, ठीक है ना, 60 प्लस 4 64 हो जाएगा, 70 प्लस 5 75 हो जाएगा, 90 प्लस 9 99 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर है लघु रूप यानी छोटा रूप, इधर है इसका तोड़ करके विस्तारित रूप बड़ा रूप यानी 62, यानी 60 प्लस 2 62 हो गया, 56, 50 प्लस 6 56 हो गया, 90, 90 प्लस 0 90, 37 प्लस 37 में क्या है 30 प्लस 7 37, 95, 90 प्लस 5 95। इसी प्रकार से संख्या के विस्तारित रूप को लघु रूप में लिखना है, संख्या का जो यह विस्तारित रूप है इसको लघु रूप में लिखना है आपको, जहां जहां खाली रहेगा, बच्चा बनाया है हो सकता है गलती किया होगा, हम लोग चलिए देखते हैं, आप भी सीखिए, आप बढ़िया से कॉपी में लिखते जाइए, सीखते जाइए, हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, मैथ आपका जीरो से मजबूत हो जाएगा। चलिए 10 प्लस 4 तो यानी क्या आ जाएगा 14, 30 प्लस 8 38 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 38, 50 प्लस 0 50 हो जाएगा, 70 प्लस 7 77 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 20 प्लस 0 20 हो जाएगा, 40 प्लस 0 40 हो जाएगा, 50 प्लस 7 57 हो जाएगा, 80 प्लस 3 83 हो जाएगा, 30 प्लस 4 34 हो जाएगा, 40 प्लस 5 45 हो जाएगा, 60 प्लस 9 69 हो जाएगा, 90 प्लस 1 यहाँ देखिए 91 हो जाएगा, तो यहाँ 92 लिखा, कहे ना कि गलती कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, बच्चा का काम किया हुआ है, बच्चा सीखता है भूलता है, सीखता है भूलता है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से होता है, होते रहेगा, हो जाएगा। संख्या के लघु रूप को विस्तारित रूप में लिखे, देखिए 18 है, 10 प्लस 8 यानी विस्तारित रूप इसका तोड़ देना है, जितना रहेगा एक दहाई है प्लस आठ इकाई है, ठीक है, विस्तारित रूप लिख दिए, 71 को 70, यहाँ 70 प्लस 1 71 हो गया, 60 है, 60 है तो 30 प्लस 30 जोड़ करके कर देना है ना, 30 प्लस यहाँ जोड़ करके इतना ही होना चाहिए, सीधा जोड़ करके उतना ना, 60 हो गया, 81 है तो 80 प्लस 1 81 हो गया, 35 है तो 30 प्लस 5 35 हो गया, 46 है तो 40 प्लस 6 46 हो गया, 68 है तो 60 प्लस 8 68 हो गया, 21 है तो 20 प्लस 1 21 हो गया, 50 है तो 20 प्लस 30 50 हो गया, 53 है तो 50 प्लस 30 53 हो गया, 73 है तो 70 प्लस 3 73 हो गया, 10 है तो 9 प्लस 1 10 हो गया, 8 प्लस 2 भी हो सकता है 10, 5 प्लस 5 भी 10 हो सकता है, इसको तो तोड़ करके आप लिख सकते हैं, 1 प्लस 9 भी 10 हो सकता है, जितना आप तोड़िएगा उतना 2 में बना करके आपको लिखना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
की संख्या में अंकों के स्थानीय मान यानी 35 में 3 और 5 के स्थानीय मान लिखता है। अब देखिए क्या है, 35 यहाँ है ना, यहाँ 3 दहाई है और 5 इकाई है, तो 3 दहाई तथा 5 इकाई के स्थान पर है, है ना, 3 दहाई के स्थान पर है यहाँ देखिए, है ना, और 5 इकाई के स्थान पर है, तो यहाँ जो 3 का स्थानीय मान है 3 दहाई यानी 30 यानी 3 हुआ, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, यानी 3 दहाई 30, सीधी सी बात है, इसे समझिए, तथा 5 का स्थानीय मान 5 इकाई यानी 5, जैसा कि आपने पूरा पहले पढ़ा था, इसी प्रकार से आपको किसी भी संख्या का स्थानीय मान रहेगा निकालने के लिए तो आप निकाल लीजिएगा, अगर रहेगा 10 में 1 का स्थानीय मान निकालिए, 1 का स्थानीय मान निकालिए तो क्या हो जाएगा, 1 और बलग में यहाँ 2 है तो 10, 1 का स्थानीय मान 10 हो गया, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से संख्यांक के स्थानीय मान को दहाई तथा इकाई में लिखें, संख्या यहाँ है, दहाई है, इकाई है, यानी 20 है तो 2 और 3 हो गया, यानी 2 दहाई 3 इकाई, 32 है तो 3 दहाई 2 इकाई, 68 है तो 6 दहाई 8 इकाई, है ना, यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ गलती लिख दिया है ना, सिर्फ 6 दहाई होगा, है ना, 6 दहाई और 8 इकाई, यहाँ 60 है तो 6 दहाई यहाँ 0 इकाई हो गया 60, इस प्रकार संख्या दहाई इकाई यानी 43 है तो 4 दहाई हो गया 3 इकाई हो गया, 34 है तो 3 दहाई हो गया 4 इकाई हो गया, 65 है तो 6 दहाई और 5 इकाई हो गया, 56 है तो 5 दहाई और 6 इकाई है, इसी प्रकार से। अब देखिए गिनतारे पर 2 अंकों की संख्या को दिखाना है, गिनतारे पर चलिए 2 दहाई थे यहाँ 2 हो गया, यहाँ देखिए 2 एक दहाई 2 दहाई 2 हो गया, 1 2 3 यानी 3 इकाई है तो 3 हो गया, इसी प्रकार से 4 दहाई है तो 1 दहाई 2 दहाई 3 दहाई 4 दहाई 4 हो गया, क्या है ये दहाई है ना दहाई, इसी प्रकार 0 इकाई तो 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है, 3 दहाई है तो 1 2 3 हो गया, अब देखिए इकाई 1 2 है ना, 2 इकाई तो 2 है, इसी प्रकार से 5 दहाई है तो 1 2 3 4 5 5 दहाई हो गया, 4 इकाई है तो 1 2 3 4 4 इकाई हो गया, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। छठा नंबर पेज, खाली स्थानों को भरना है, यानी जो आपको काउंटिंग है 1 से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 100 तक है, जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ वहाँ भरना है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार से आगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर आगे है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, फिर आगे है 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, फिर 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 तक हमने भर दिया, फिर आगे बढ़ते हैं 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, फिर आगे 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, फिर 71 72 73 74 75 76 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100, ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब खाली स्थानों को क्या करना है, भरना है, 90 + 5 = 95 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 + 5 = 95 हो जाएगा, इसी प्रकार से 50 + 0 = 50, 30 + 2 = 32, 10 + 3 = 13, 20 + 5 = 25, 60 + 4 = 64, 40 + 9 = 49, 30 + 0 = 30, 90 + 9 = 99, इस प्रकार से हम लोग जो भी रहेगा संख्या आराम से उसको जोड़ सकते हैं, यानी आप अगर 30+ ऐसे है तो 30 ऐसे लिख करके और 2 नीचे लिख करके ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, यहाँ 2 0 और 2 में जुटेगा तो 2 आएगा और बाकी यहाँ 3 हो जाएगा यानी 32,
31 हो गया ना। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या को जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है बच्चों। हाँ तो चलिए अब अगला पेज को देखते हैं। अब कह रहा है दो अंकों की संख्याओं की तुलना करना है, दो अंकों की संख्याओं की तुलना करना है। तो नियम क्या है देखिए, पढ़िए। दो अंकों वाली दो संख्याओं में जिस संख्या का दहाई अंक बड़ा होता है वह बड़ा होता है ना। उसी प्रकार से नंबर टू का है नियम, दहाई के अंकों के समान रहने पर जिस संख्या का इकाई अंक बड़ा होता है वह बड़ा होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं यहाँ क्या कहा। दो अंकों वाली दो संख्याओं में जिस संख्या का दहाई अंक बड़ा होता है, दो अंक की संख्या है, कहने का मतलब है 24 है, देखिए 24 है बड़ा होता वह बड़ा होता है। तो दो अंकों वाली दो संख्याओं में है ना, दो अंकों यहाँ 24 है और यहाँ 21 है। दो अंकों वाली दो संख्याओं में जिस संख्या का दहाई अंक बड़ा होता है वह बड़ा होता है। तो यहाँ 24 है और यहाँ यह 32 है। तो यहाँ देखिए इकाई अंक और ये दहाई अंक, तो ये दो है दहाई अंक में, यहाँ इकाई अंक यहाँ दहाई, तो दोनों में कौन बड़ा हो गया, तो ये 31 बड़ा हो जाएगा। चलिए इस तरह से समझना है। तो दहाई के अंकों के समान रहने पर जिस संख्या का इकाई अंक बड़ा होता है वह बड़ा होता है। अब दहाई के अंक समान, दो नंबर नियम था ना, यहाँ 20 है और यहाँ 21 है। ठीक है, तो दोनों इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, तो देखिए दोनों समान है, यहाँ भी समान यहाँ भी समान। तो इसमें दो, अब इकाई का अंक देखना, यहाँ इकाई का अंक 0 है और यहाँ इकाई का अंक 1 है, तो दोनों में कौन बड़ा, ये है, तो ये बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना है आगे। चलिए 46 और 52 में कौन बड़ा है, देखिए दहाई और इकाई है ना, ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। तो 46 और 52 यहाँ देखिए 46 दहाई का अंक छोटा है ना और ये इकाई का अंक बड़ा है, और ये दहाई का अंक बड़ा है और यहाँ इकाई का अंक छोटा है। देखिए 5 बड़ा है, देखिए पेट चिरा हुआ इस तरफ 5 तरफ है और यहाँ नोखी बना हुआ है 4 तरफ, तो कौन हो गया बड़ा, 5 बड़ा हो गया है ना। देखिए यहाँ 5 इस तरह से है, अतः 52 यानी ये नीचे वाला बड़ा हो जाएगा और 46 छोटा हो जाएगा। इस प्रकार समझना। 62 और 65 में कौन बड़ा है, तो 62 और 65 में इसी प्रकार से देखिए, यहाँ भी दहाई का अंक सेम है ना, यहाँ भी दहाई का अंक सेम है, तो इसको छोड़ करके इकाई में चेक करेंगे तो जो इसमें बड़ा रहेगा वही नीचे वाला भी बड़ा जाएगा, यानी 65 बड़ा। दहाई अंक क्या है, 6 यानी 6 बराबर हो गया, देखिए यहाँ बराबर इकाई अंक 5 बड़ा हो गया और 2 छोटा हो गया, तो इसलिए 65 बड़ा है और 62 छोटा है। इसी प्रकार से खाली स्थानों को आपको भरना है बच्चों। चलिए खाली स्थानों को क्या करना है, भरना है मेरे दोस्त, भरिए। चलिए कौन बड़ा है यह देखिए, इस तरफ का रहेगा बड़ा, इस तरफ का रहेगा छोटा और ये रहेगा बराबर, भरना है इसी से। 36 और 28 में कौन बड़ा है, बिल्कुल सही, इस तरफ से 36 बड़ा है और 28 छोटा है। 15 और 12 में बिल्कुल सही, 15 बड़ा और 12 छोटा है। 46 में 52 में कौन बड़ा है, बिल्कुल सही, 46 छोटा और 52 बड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार से 43 और 34 में कौन बड़ा, तो 43 बड़ा और 34 छोटा, बिल्कुल सही। 28 में देखिए बिल्कुल सही, बराबर है। 94 और 49 में कौन बड़ा है, देखिए बिल्कुल सही, 94 बड़ा 49 छोटा, बिल्कुल सही। 40 और 38 में क्या है, 40 और 38 देखिए 40 बड़ा और 38 छोटा, बिल्कुल सही। इसी प्रकार से 88 और 91 में कौन हो गया, 88 बड़ा और 91 सॉरी 88 बड़ा नहीं 91 बड़ा हो जाएगा और 88 छोटा हो जाएगा। 59 और 61 में क्या हो जाएगा, 59 छोटा और 61 बड़ा। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए अब जांच करना है, आपको अपने में से जांच करना है, जांच पत्र संख्या का नाम लिखना है 18, तो देखिए 18 ऐसे नहीं लिखा जाता है, अठारह बच्चा लिखा है, गलती है 18, 32 तो बत्तीस इस प्रकार से 32 लिखेगा। 93 90 इस प्रकार से बे, ठीक है 93 उसी को संख्या का
अंकों अंक में लिखना है, यानी 22 है तो 20 और 2 यानी दो दहाई दो इकाई तो 22 हो गया। 48 है तो 4 दहाई और 8 इकाई, 48 हो गया। 78 है तो 7 दहाई और 8 इकाई, 78 हो गया। इस प्रकार से बढ़ते क्रम में इसको लिखना है। तो बढ़ते क्रम में कौन लिखेंगे, जो सबसे इसमें छोटा रहेगा उसको लिखेंगे पहले। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, 11 है तो 11 लिखेंगे। उसके बाद कौन है, 15 है तो 15 लिखेंगे। उसके बाद कौन है, 33 है तो 33 लिखेंगे। उसके बाद कौन है, 42 है तो 42 लिखेंगे। इसी प्रकार से घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में यानी जो सबसे इसमें बड़ा होगा, यानी 84 है तो 84 लिखेंगे, है ना। घटते क्रम लिखना तो सबसे बड़ा से लिखना है। उसके बाद 84 के बाद कौन आ जाएगा, 63 आएगा तो 63 लिखेंगे। उसके बाद कौन आएगा, 48 है तो 48 लिखेंगे। उसके बाद कौन है, 36 है तो 36 लिखेंगे। उसी प्रकार से खाली स्थानों को भरना है। खाली स्थानों को भरेंगे तो 85 में दहाई अंक 8 है, ठीक है, है ना। खाली स्थानों क्या, दहाई अंक देखना है ना, तो दहाई इकाई और दहाई तो 8 हो गया। उसी प्रकार से आगे है 35 में इकाई अंक कौन है, 35 में इकाई अंक कौन है तो 5 इकाई अंक है तो 5 हो गया। 45 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 यानी 4 जहाँ 4 है उसके बाद जितना भी अंक रहेगा 0 बिठा देंगे यानी 40 हो गया। 68 में 8 का स्थानीय मान क्या हो गया, 68 में 8 एक 8 इकाई पर है तो 8 सिर्फ हो जाएगा, ओनली फॉर 8। अब यहाँ देखिए बड़ा छोटा या बराबर से खाली स्थानों को भरना है। अब दोनों में कौन बड़ा है, देखिए 47 से बड़ा है या 74, देखिए हो गया ना, 74 बड़ा है। अब यहाँ देखिए 84 में कौन है, 84 और 48 में, 84 बड़ा और 48 छोटा है। उसी प्रकार से 79 में कौन है, 79 और 81 में, 81 बड़ा और 79 छोटा। इस प्रकार से 37 और 37 क्या है, इक्वल यानी इक्वल टू बराबर, इक्वल इक्वल। 80 और 90 में कौन बड़ा, 90 बड़ा 80 छोटा। इस प्रकार से 42 और 40 में कौन बड़ा, 42 और 40 में यानी 42 बड़ा है और 40 छोटा। तो दोस्तों मेरे भाइयों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए आपको हर बुक का तैयारी करा देंगे। मैथ आपका 0 से हाई लेवल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे दोस्त, चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए।